ये मैं खड़ा हूं, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, इस स्कूल के टीचर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने झूठ बोला था बच्चों से? और प्रिंसिपल सर की एक और कहानी है, वो मतलब प्रिंसिपल होते हुए भी अभद्र तरीके से बात करते हैं। ये बताइए कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? सर मेरा कहने का सवाल है, जो ये रिजल्ट बना है मुझे लिस्ट दिखाइए किस बेस पे रिजल्ट बनाया गया है। तो आप लोगों ने इन बच्चों के साथ क्या किया, आप भगवान हैं? अगर ये सब अगर इनके लड़के होते तो इनको समझ में आ जाता कि हाँ मेरे लड़के के साथ गलत हुआ है। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ये बताइए। अच्छा। जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनकी फीस जमा होने कारण उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दी गई, क्योंकि ये बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं और ये झूठ नहीं बोल सकते आपके सामने। 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथ टीचर नहीं है, तो मतलब कुल मिला के टीचर ही बोल रहे हैं कि रिजल्ट घटिया आया है। प्रिंसिपल हैं, उन्होंने झूठ बोला कि नहीं वही है, हमारे टाइम पे तो वही थे ना बस। तो ये स्कूल है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्कूल को थोड़ा सा दिखाएं अच्छे से चारों तरफ। ये बेहद हाई प्रोफाइल स्कूल है इस क्षेत्र का, और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये उम्मीद होती है कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब किस तरह से उज्जवल हो रहा है ये हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करके ही पता कर पाएंगे। अपना नाम बताएंगे? अमित सिंह। अमित सिंह जी, आप इस स्कूल में किस पोजीशन में काम करते हैं? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, सॉरी। बच्चों ने कहा है कि आपने उनका मैथ इंग्लिश वगैरह का रिजल्ट भी तैयार करके CBSE को भेजा है, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, कौन बच्चा बोल रहा था कि इन्होंने रिजल्ट मैथ इंग्लिश वगैरह का बना के भेजा है? नहीं, आप लोग आइए क्योंकि ये लोग भविष्य है सर स्कूल के, ट्वेल्थ में आप लोग आइए। बताइए जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि आपने रिजल्ट तैयार किया? नहीं, हमने नहीं रिजल्ट तैयार किया, ये कमेटी की, कमेटी ने तैयार किया। कमेटी में कौन कौन है? कमेटी का नाम मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता, आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं आपको ये नहीं पता कि कौन सी कमेटी रिजल्ट तैयार कर रही है? नहीं, इसका नॉलेज नहीं पता। आपको क्या पता है इस स्कूल के बारे में? सिर्फ फिजिकल एजुकेशन। बैठ जाइए। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन जी, खेल कूद के संबंध में जान नॉलेज है मुझे, और जानकारी नहीं। अच्छा, तो हमको किससे बात करनी चाहिए? अब ये बच्चे बताए ही होंगे किससे बात करनी है। जब यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बोल रहे हैं कि मेन आप हैं, तो आप उस जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि आप मेन नहीं हैं? ये आपको सर नाम भी नहीं बता रहे, क्योंकि ये बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं और ये झूठ नहीं बोल सकते आपके सामने। अब ये बच्चे कह रहे हैं तो कहें। हाँ, बाकी आप इनसे आप सवाल पूछिए अपने रिजल्ट के बारे में, आप लोगों की जो असंतुष्टि है। इनसे एक सवाल। हाँ, इन्होंने सबसे बोला, सभी से बोला कि सबका मैंने 75 प्लस किया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे क्लास, मेरे स्कूल के बच्चे का नाम खराब हो, रिजल्ट खराब हो। इन्होंने खुद सबको 75 ऐसा करके बोला इन्होंने, लेकिन इन्होंने झूठ बोला, हमारे पास पूरा सबूत है। एक मिनट, आप उतने में रुक जाइए, आप बताइए, आपने बच्चों से कहा कि आपने रिजल्ट बना के सबका भेज दिया है, सबको 75 प्लस के आपने रिकमेंडेशन दी है CBSE को, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने झूठ बोला था बच्चों से कि आपने रिजल्ट बना के भेजा है? देखिए, इसका नॉलेज तो मुझे नहीं है। किसकी नॉलेज आपको नहीं है? यही जो 75 बच्चे फोन करते थे, सर रिजल्ट कैसा होगा बेटा, हम कहे उसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है कैसा होगा, लेकिन बेस्ट ही होगा रिजल्ट। तो क्या ये बच्चा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने झूठ बोल रहा है? अभी ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप ही बोलेंगे झूठ का ही सच है। झूठ का ही और सवाल है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ये बताइए आप। अब देखिए, वो बच्चा कह रहा है तो हम क्या कहेंगे इसमें? आपके बारे में वो सीधे बोल रहा है ना, किसी और के बारे में बोलता तो मैं ही बोल रहा हूँ कि आपने सबसे बोला कि मैंने, आपने नहीं बोला, मैं अभी जो क्वेश्चन किया था आपने बोला, ठीक है, मेरे घर आए थे ना आरकेडी सर के साथ? हाँ, गए थे बच्चों के, लास्ट में पेरेंट्स यहाँ जा रहे थे तो आपके यहाँ भी गए। लास्ट में इन्होंने क्या बोला, मुझे वो बात सुनकर बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशी हुई। इन्होंने मेरे से लास्ट में बोला कि बेटा मैंने 75 प्लस तुम्हारा दिया, तुम्हारा रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा, 75 प्लस दिया। तो फिर रिजल्ट आया मेरा, ठीक है, मैंने उनको शाम को मैसेज किया, सर आपने तो बोला था बहुत अच्छा आया, लेकिन आप सबने मिलके तो मेरा रिजल्ट ही खराब कर दिया।
फिर इन्होंने मैं किसी से फोन भी कही, मैं नाम नहीं मिल सकता। अब आप जो बोल रहे हैं अब आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा मैंने नहीं कहा है, बाकी अन्य बात करने के लिए सर आप प्रिंसिपल सर से ही बात। कहाँ है प्रिंसिपल आपके? नहीं आए। अरे वो आज आने वाले थे प्रेस में, उनको पता चला कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो उनको जब पता चला तो वो आने से मना कर दिए। अच्छा। ये पूरी रिपोर्ट है हम लोग के पास, सबको पता है कि वो आने वाले थे। कल नंदन है वो लड़का, उसको भी बुलाए कि बेटा कल आना, कल बात करेंगे। कल उनको जब किसी लड़के को बुलाए वो तो आने के लिए बोले, तभी ना वो खुद आने आना चाहते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उनको जैसे ही पता चला कि मीडिया आ रही है, इस चीज को हाईलाइट करेगी, उनकी गलतियों को पकड़ेगी, तो वो गायब हो गए। जी बिल्कुल। और ये लोग जो बोले थे, तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरी स्कूल संचालित हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट भी आए हुए हैं, पढ़ाई चालू है, तो कौन पढ़ा रहा है? सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। इनके सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं? आप लोगों के टीचर कहाँ हैं? ये बताइए कि एक बच्चे के लिए उसके टीचर से बढ़ के कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है। आपको ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की पदवी दी गई है, उपाधि दी गई है, और ये बोला गया है कि आप लोग उनसे भी बढ़ के हैं। तो आप लोगों ने इन बच्चों के साथ क्या किया? आप भगवान हैं, उसका कारण बताइए। कई आरोप हैं आपके ऊपर, आरोप ये हैं। हाँ आपके ऊपर, आप इस स्कूल में काम करते हैं, पढ़ाते हैं। कौन सा बच्चा है जिसका रिजल्ट कम आया है? आ जाओ, ये पढ़ाए हैं आपको? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये बताइए कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? बच्चा पढ़ने में सही है, उसमें कोई नो डाउट है। और बच्चा तुम क्लास थोड़ा ही कम लिया है लड़का, कुछ कितना दिन क्लास में आया है? कितने क्लासेस, कितने दिन क्लासेस संचालित हुई है बताओ बेटा? तुम लगा है क्लास, रजिस्टर देख लेना। इस स्कूल का 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, पिछले साल में 11th में था। यहाँ पे मैथ के टीचर नहीं थे, एक दिन के लिए कोई आता, उसके बाद फिर चार दिन के लिए बंद, फिर डेली डेली चेंज होता हम दोनों टीचर बदले। और पिछले साल 11th का जो रिजल्ट बना, मतलब होम रिजल्ट, हम लोग मतलब जितने दिन स्कूल चली, 2-3 महीने तक लगभग चली, पूरे दिन स्कूल आए हैं साथ, हम दोनों साथ में। जो हाफ मतलब 6 मंथ वाला जो पेपर होता है, हाफ ईयरली पेपर, वो पेपर हम दोनों अकेले बैठ के दिए। अच्छा। जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनकी फीस जमा होने कारण उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दी गई, और हम लोग की अभी रिजल्ट भी नहीं सुना। आप बोल रहे थे, उससे आप सवाल पूछ रहे थे कि स्कूल कितने दिन आए? ये बच्चे हर दिन स्कूल आए? इन बच्चों ने ही सिर्फ एग्जाम दिया, इनका रिजल्ट घटिया आया, बाकी जो नहीं आए थे उनका बढ़िया आया, कैसे क्या लगता है? हाँ नहीं नहीं सर, अच्छा जानता हूँ मैं। इसको कितना नंबर इसको आना चाहिए था आपके हिसाब से? मुझे पासिंग आउट नंबर दिया 23 में। नहीं उसके लायक तो नहीं है, तुम उससे ज्यादा रिजल्ट करते हो, ये मैं कहता हूँ। ये आप, ये मैं कहता हूँ, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, इस स्कूल के टीचर हैं कि इस बच्चे को जो नंबर मिले कम मिला है, वो बहुत ज्यादा कम मिले हैं, उससे कई गुना बेहतर वो तुमको कम मिला है, और क्योंकि तुम उससे ज्यादा रिजल्ट। अब ये बताइए, इस बच्चे को तो फिर से बोल दिया गया, रिपीट करो। आदित्य, तुम आदित्य ना? हाँ, ये मैं भी देखा था रिजल्ट में आया है, तुम्हारा रिपीट आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डिजर्व करता है? नहीं नहीं, रिजल्ट में रिपीट नहीं, इसका आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के टीचर ही बोल रहे हैं कि रिजल्ट घटिया आया है, जो बच्चे डिजर्व करते हैं गलती के उससे बेकार रिजल्ट आया। देखो नंबर, लॉकडाउन को जैसे तो हम लोग घर थे, आज इसमें नंबर भरा गया है, और प्रिंसिपल साहब इसके पूरे रिस्पॉन्सिबल साहब सामने आ रही है कि रिजल्ट बनाने वाले जो जिम्मेदार लोग थे वो विद्यालय में मौजूद नहीं थे, रिजल्ट यहाँ के ऑफिस के लोगों ने बनाया, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनकी बात को करेक्ट करता हूँ। जिनसे रिजल्ट बनवाना चाहिए था उनसे रिजल्ट बनवाया नहीं गया, रिजल्ट के लिए सब्जेक्ट टीचर से ही। अगर 12वीं का है, मैथ का रिजल्ट जाना है, तो मैथ का टीचर जो 12वीं बच्चों को पढ़ा रहा है उसी को रिजल्ट भी तैयार करना चाहिए था। और प्रिंसिपल सर की एक और खामी है, वो मतलब प्रिंसिपल होते हुए भी अभद्र तरीके से बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, यहाँ पे जितने खड़े हैं पूछ लीजिए, अगर आप चाहे गार्जियन हो, तू तड़ाका करके बोलने की। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? जय प्रकाश सिंह, जितेंद्र प्रकाश सिंह, सॉरी जेपी सिंह। हाँ, किस तरह से बात करते हैं अभिभावकों से? अभिभावकों से तू तड़ाका करके, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं मतलब उपयोग नहीं करना चाहता। यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं जो मतलब पास आउट हो चुके हैं, जो नहीं है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, बात करने की उनके पास सभ्यता नहीं हो, प्रिंसिपल किस बात के हैं? सीधे कुल मिला के बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर शायद इस क्षेत्र में किसी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 12वीं की फीस 19,200,
19,200 जबकि लॉकडाउन में स्कूल नहीं चलती पिछले साल थी 11th क्लास में हम लोग की फीस थी 18,000 कुछ रुपए थी जबकि लॉकडाउन में केवल 3 या 4 महीने स्कूल चली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने 2 महीने रेगुलर 3 या 4 महीने चली है। मैं आया भी हूँ तो उसमें बताइए आप कोरोना काल में जो 3 महीने उसको माफ वो तो हटनी चाहिए ना, लेकिन जो जितने दिन स्कूल लगी उतने दिन की आप फीस लो। अच्छा, लेकिन फुल फीस ले रहे हैं केवल 1,000-2,000 ये क्या फीस, फीस तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज ये बताइए, दूसरी चीज ये कि आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए, ये बताइए कि जब मैथ टीचर है नहीं, बच्चे बोल रहे हैं मैथ टीचर नहीं थे, आज 2 साल से मैथ टीचर नहीं है इस स्कूल में, 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथ टीचर नहीं है, फिर किस हक से बच्चों को मैथ का पहली चीज तो रिजल्ट तैयार किया गया, किसने किस बेस में तैयार किया। और मैं सीबीएसई वालों से भी पूछना चाहूंगा कि जिस स्कूल में मैथ टीचर ही नहीं है वहां के बच्चों को मैथ में फेल या कम नंबर क्यों दिए गए, उनको 100 out of 100 क्यों नहीं दिए गए। और जो बच्चे 12th में पास आउट हो गए, मैं उनकी बात करूं जो मेरे सीनियर है, उनका जो मेन सब्जेक्ट मैथ है उसको हटा के एडिशनल करके हिंदी को मेन कर दिया गया, वो फ्यूचर में करेंगे क्या, जब मैथ से पढ़ रहे हैं हिंदी लेके क्या करेंगे। आपके कहने का मतलब है उनका पूरा भविष्य चौपट कर दिया गया। और क्या कहेंगे, आप भी पिता हैं, आपके भी बच्चे होंगे, क्या कहेंगे इन सब कमियों में गलतियों में। मैं जानता हूँ आपकी स्कूल है, आप खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ तो बोलिए। नहीं देखिए, टीचर की व्यवस्था तो होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा कुछ नहीं यही हो रहा है 2 साल से हो रहा है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर के बच्चे का रिजल्ट आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर ये सब अगर इनके लड़के होते तो इनको समझ में आ जाता कि हाँ मेरे लड़के के साथ गलत हुआ है। पहली बात तो ये ऐसी स्कूल है जिसमें प्रिंसिपल 4 दिन आता है, 2 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा। सर मेरा कहने का सवाल है, जो ये रिजल्ट बना है मुझे लिस्ट दिखाइए किस बेस पे रिजल्ट बनाया गया है। मेरा सवाल ये, फिर मैं वो मान लूंगा कि मेरा वो नंबर जो पर्सन मुझे मिला है जो हिसाब से मैं अपनी काबिलियत देख लूंगा, पर यहाँ स्कूल से मतलब जितनी एक फाइल है रिकॉर्ड मुझे वो चेक करनी है कि मतलब 10th और 11th का जो बेस रिजल्ट बना 12th का वो मुझे पर्सन दिखाई, क्योंकि मेरे पास 10th का है 11th का भी रिजल्ट है, तो 12th का रिजल्ट किस बेस से बनाया गया आप बताइए। नहीं ये जो कह रहे हो कि नंबर कम आए ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हो तो भाई आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। आप जानते हैं कि रूटीन खत्म हो चुका है, बिल्कुल, तो ऑलरेडी अगर 52 आया है, अगर पेपर देने पर उससे कमी आएगा, रूटीन होता तब तो आप पेपर जब पढ़ाई नहीं हुई तो फिर कहाँ से। मैथ टीचर है नहीं तो मैथ में उनको कितने अंक आएंगे। मैथ में तो भाई बच्चा अपने से पढ़ के दिया है, तब अपने से पढ़ के दिया तो फिर स्कूल कौन होता है रिकमेंड करने के लिए, फिर स्कूल फीस लेने वाला कौन होता है जब बच्चा खुद पढ़ रहा है घर में बैठ के पढ़ रहा है। जो विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका रिस्पांस आता है, क्योंकि आज विद्यालय में उपस्थित नहीं है। हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा, अभी आपने जिस के आने पहले ही पता चल गया, उन्होंने आप कोई छात्र जो है तो अपने नंबर से अगर चलो वही सवाल नहीं उठाई जा रही है।